चुनाव प्रचार करने हरियाणा आए राहुल गांधी ने मन से क्या कुछ कह दिया कि यह विपक्षियों के लिए बड़ा मुद्दा बन गया। दरअसल राहुल गांधी जाति व्यवस्था पर बात कर रहे थे, इसके लिए सिस्टम कैसे काम करता है वो बता रहे थे। इस बीच राहुल ने जो कहा उसे लेकर अब खूब माहौल गर्मा गया है। छठवें चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा के पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते हैं कि कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, ये सब मुझे मालूम है और दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूँ। पीएम हाउस में जब दादी प्रधानमंत्री थी तब था, पापा थे मनमोहन सिंह जी थे तब भी जाता था, इसलिए मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि यह सिस्टम निचली जातियों के खिलाफ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के बयान पर विपक्षी नेताओं ने क्या कहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी की जुबान से सच सामने आ गया। राहुल गांधी ने बड़ा सच स्वीकार कर लिया है कि उनकी दादी, उनके पिता और उनकी मां के समय जो सिस्टम था वो दलित, आदिवासी, पिछड़ों को विरोधी रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस पार्टी दशकों से करती रही है आज वो सामने आ गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर छठे चरण का मतदान 25 मई को किया जाना है। वहीं 23 मई की शाम को चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिनमें बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीटें शामिल हैं। इस खबर पर बस इतना ही, और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए india.com।